आदाब। आज कुकटेन में हम आपके लिए शीर खुरमा बनाएंगे। इसको हम गुलाब के साथ बनाएंगे। गुलाब के साथ बनाने से शीर खुरमा का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आप ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए गुलाब शीर खुरमा, आपको बहुत पसंद आएगी हमारी रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शीर खुरमा बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसके अंदर हम 60 ग्राम बासमती राइस, इसको हमने करीब 1 घंटा भिगो दिया था अच्छे से वॉश करके। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। चावल डालने के बाद में ज़ाफ़रान डाल देंगे हम थोड़ी। हम ज़ाफ़रान अभी डालेंगे क्योंकि हमको चावल का कलर ज़ाफ़रानी चाहिए और मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए खीर को बना लेंगे। दूध और चावल को हमने एक दूसरे गैस पर रख दिया है। अब एक पैन में हम थोड़ा घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, ये देखिए हमारे पास में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें हमने 15 बादाम काजू लिए हैं, इनको भिगो के बारीक काट लिया है। 10 हमने बादाम लेके इसको भी रात भर भिगो के काट लिया है। चिरौंजी है, थोड़ी किशमिश है, 8 से 10 छुआरे हैं, इनको भी भिगो के हमने बारीक कट कर लिया है। थोड़े पिस्ते हैं, इनको भी बारीक भिगो के हमने छिलका उतार लिया है इनका। अब इनको घी में हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा भून लेंगे लेकिन हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही इनको फ्राई करना है। गैस को हम बंद कर देंगे। हमने धीमी आंच पर ही इसको फ्राई करा है। एक प्लेट में सभी ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम थोड़ा और घी डालेंगे। देखिए हमने थोड़ी सिवैयाँ ली है, बारीक सिवैयाँ ली है और इसका हमने बिल्कुल बारीक चूरा कर दिया है। इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे हल्की सी खुशबू आने तक। हम इसको फ्राई कर लेंगे सिवैयाँ को। सिवैयाँ को भी हमने भून लिया है घी में। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम थोड़ा मावा भी भून लेंगे। हमको कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा मावे का कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना हम इसको भून लेंगे। देखिए मावा हमने भून लिया है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी एक साइड में निकाल लेंगे। धीमी आंच में भी खीर हमारी बन रही है। हम रेगुलर में चम्मच चलाते जा रहे थे। चावल के गलने तक हम खीर को बना लेंगे। ये देखिए हम साइड से भी किनारे से हम मलाई को हटाते जाएंगे। ये देखिए ज़ाफ़रान का जैसा हमारे चावल का कलर हो गया है, हमको बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए था। देखिए चावल गल चुके हैं। हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे और थोड़ा चावलों को घोट लेंगे। चावल को थोड़ा घोटेंगे तो दूध और चावल एक हो जाएंगे, दूध अलग चावल अलग नहीं नज़र आएंगे, इसलिए हम थोड़ा चावलों को घोट लेते हैं। देखिए हमने चावल घोट लिए हैं। अब हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हमने 60 ग्राम लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी के साथ ही हम गुलाब को भी ऐड कर देंगे। ये देसी गुलाब है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, गुलाब शीर खुरमा।
और एक अलग ही रेसिपी आपको मिलेगी इस पर, आपके मेहमानों को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुलाब से। थोड़ा चीनी को पका लेंगे हम, चीनी और गुलाब की कुछ पत्तियां डालने के बाद हमने इसको पका लिया है, अच्छे से उबाल ले लिया है हमने। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसको डाल देंगे, सेवैया और मावा डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही गुलाब की भी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने सोचा चलो अब के ईद पे तो कुछ नया करते हैं इनोवेशन शीर खुरमे के साथ में, तो हमने इसमें गुलाब को ऐड कर दिया। वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे इसमें। देखिए शीर खुरमा, गुलाब शीर खुरमा बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमको बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, ठंडा करेंगे इसको हम। अब हम सर्व कर देंगे इसको। शीर खुरमा हमने सर्व कर दिया है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। गुलाब शीर खुरमा है तो गुलाब की पत्तियां तो ज़रूर बनती हैं, कुछ गुलाब की पत्तियों से भी हम इसको गार्निश कर देंगे। लीजिए गुलाब शीर खुरमा बनके तैयार है। अगर आपको हमारी गुलाब शीर खुरमा की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कुकटेन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।